एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद पिछले 10 सालों से प्रोफेसर अवस्थी मसूरी की सर्द वादियों में अपने मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स और साइंटिफिक मेथड्स के साथ न जाने कितनी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को स्टडी कर चुके हैं। घोस्ट स्टोरीज, विचेस या फिर हॉन्टेड हाउसेस, ऐसा कोई भी वर्ड, कोई भी कहानी या फिर कोई भी जगह प्रोफेसर अवस्थी को मजबूर कर देती है उनके पास जाने और उनको और ज्यादा समझने के लिए। और इन सभी एक्टिविटीज में प्रोफेसर अवस्थी को साथ मिलता है उनके एकमात्र नौकर महेश का। महेश जो अब 23 साल का हो चुका है, आज से लगभग 8 साल पहले प्रोफेसर अवस्थी ने उसको अनाथ जानकर अपने साथ रख लिया था और उसी दिन से महेश प्रोफेसर अवस्थी और उनके घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालता आ रहा है। इसी घर में इन दोनों के साथ रहता है ब्रूनो, प्रोफेसर अवस्थी का डॉगी जो उनको बहुत प्यारा है। फरवरी महीने की सर्द सुबह प्रोफेसर अवस्थी अपने घर के बाहर वरांदा में बैठे हुए। अरे महेश, यार आज कुछ ज्यादा ही ठंड हो गई, जरा एक कप चाय पिला दो भाई। और हाँ, अखबार भी आ गया होगा, वो भी यही ले आओ बाहर। जी सर जी, अभी लाता हूँ। ये रही आपकी चाय और ये रहा आज का अखबार। सुनो महेश, ब्रूनो को भी घर के अंदर कर दो, यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है भाई। क्या है आज के अखबार में देखूं जरा। वही नॉर्मल न्यूज, कुछ भी नया नहीं, नथिंग इंटरेस्टिंग यार। ये क्या है, अग्रहारी मेंशन, हॉन्टेड हाउस या केवल एक भ्रम? ए महेश, अरे वो इधर आओ, इधर आओ। हाँ अभी आया। हाँ जल्दी। क्या क्या हुआ सर जी? ये अग्रहारी मेंशन, ये वही है ना, परी टिप्पा वाला, थोड़ा आके पहाड़ी पे जो सुनसान सा एरिया है उधर, शायद कुछ ही कर रहे हैं वहां पे ना वो मिस्टर अग्रहारी। क्या नाम था उनका यार, विकास, यस विकास अग्रहारी, उन्हीं का मेंशन है क्या ये? हाँ सर जी, उन्हीं का है। पर क्या हुआ, वो तो बहुत सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। एक बूढ़ी सी दादी थी जो उस घर की देखरेख और साफ सफाई का काम किया करती थी। इसके अलावा तो और किसी को वहाँ पर ना देखा और ना ही सुना। कोई काम है क्या वहाँ पर आपका? नहीं कुछ खास नहीं, पर तुम जानते हो उसके बारे में, मतलब कुछ और कुछ खास? बस इतना कि वो जो बूढ़ी दादी वहाँ पर रहा करती थी, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई है। वहाँ आसपास ज्यादा लोग तो नहीं रहते हैं, पर जो भी हैं, उनका यही कहना है कि दादी की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने उनका गला घोट कर मार डाला हो। उनकी गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी। ओहो, फिर तो पुलिस भी आई होगी वहाँ, कुछ पता चला क्या? हाँ सर, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने तो यही बोला कि इतनी बूढ़ी औरत का क्या कोई दुश्मन होगा, वो भी एक नौकरानी का, और फाइल बंद। पर आपको अभी अग्रहरी मेंशन की याद कैसे आ गई सर जी? अरे महेश, ये देखो यार, आज के पेपर में इसके बारे में लिखा है, हॉन्टेड हाउस, और इसमें बता रहे हैं कि इस घर में जो भी जाता है कुछ अजीब सा डरावना सा महसूस करता है, और फाइनली वहां रुकने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता, स्पेशली रात में। ज्यादा तो कुछ नहीं पता चल रहा है इस आर्टिकल से, तो सोच रहा हूँ एक रात बिता कर आ जाओ उस मेंशन में। क्यों, क्या कहते हो? लेकिन उससे पहले जरा इसके ओनर मिस्टर विकास से मिल के आता हूँ। जी सर जी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अग्रहरी मेंशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके मालिक आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो तो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पार्क एवेन्यू में ही कहीं रहते हैं। उनका अपना घर है वहाँ पर, उनकी फैमिली भी वहीं उनके साथ ही रहती है। कब जाना है सर जी? सोचता हूँ अभी मिल के आ जाऊं, सुबह का वक्त है,
लोग अपने घर पर ही होंगे। मैं चलूं क्या आपके साथ? नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम रहने दो, मैं मिल के आता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। तब तक तुम सुनो, ये ब्रूनो का ध्यान रखना प्लीज है। बस मैं अभी गया, अभी आया। कौन कौन है? अभी बोलता हूं, प्लीज वेट। आप विकास अग्रहारी हैं ना, अग्रहारी मेंशन के ओनर? जी मैं ही हूं। पर आप कौन हैं? आई एम प्रोफेसर अवस्थी। मैं बेसिकली पिछले कई सालों से सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रहा हूं, स्टडी यू नो। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सॉरी मैं भूल गया था। आइए अंदर आइए। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? बहुत ठंड है आज, क्यों? एनीथिंग, थैंक्स अ लॉट। तो प्रोफेसर अवस्थी, राइट? यस प्रोफेसर, बताइए कैसे आना हुआ, कोई खास वजह? यस, यही वजह है, अग्रहारी मेंशन। मिस्टर विकास, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे इस अग्रहारी मेंशन के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं? एक्चुअली मैंने आज ही इसके बारे में पेपर में पढ़ा कि लोग इसको हॉन्टेड हाउस या ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। तो आई वांट टू नो कि क्या ये सच है? आपने भी वहां पर कुछ ऐसा फील किया है, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जैसा और लोग बोल रहे हैं? लीजिए प्रोफेसर, कॉफी आ गई, पहले कॉफी पीजिए। हाँ तो प्रोफेसर, आपके सवाल का जवाब है नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही कुछ सुना। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। अग्रहरी मेंशन, ये मुझे विरासत में मिला है। हमारे परदादा लोगों की जायदाद है ये, और जहां तक मुझे पता है अभी तो मैं इसका अकेला वारिस हूं। पर मैंने आज तक इसे कभी पूरा ठीक से देखा तक नहीं, तो यहां पर रहना तो दूर की बात है। बल्कि मैं तो मसूरी भी अभी लगभग 4 साल पहले ही शिफ्ट हुआ हूं, अपनी रिटायरमेंट के बाद। सिविल सर्वेंट हुआ करता था मैं। इनफैक्ट आफ्टर रिटायरमेंट मुझे लगा कि थोड़ी सुकून की लाइफ जी जाए, और फिर मसूरी से अच्छा क्या हो सकता है, वो भी तब जब आपके पास ऑलरेडी आपके पुरखों का इतना बड़ा घर हो। तो फाइनली हम सब ने यहीं पर सेटल होने का मन बना लिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि अग्रहरी मेंशन तो बहुत बुरी कंडीशन में है, और किसी के रहने लायक तो एकदम ही नहीं। और परीटिप्पा, ये एरिया तो नॉर्मल सिटी से थोड़ा सा दूर और ऊंचाई पर है, आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं और ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। बस इसलिए हमने सोचा कि पहले इस मेंशन को रेनोवेट करवाते हैं, फिर सोचेंगे कि इसका क्या करना है, और फिर इसी कारण हमने यहाँ पार्क एवेन्यू में ये घर लिया है रहने के लिए। वहां उस मेंशन में देखरेख के लिए एक बूढ़ी अम्मा जरूर रहा करती थी, पर अभी कुछ दिन पहले उनकी भी डेथ हो गई है। मुझे तो याद भी नहीं, न जाने कितने सालों से वो अकेली ही उस मेंशन की देखरेख कर रही थी। नो डाउट वो बहुत ही समझदार और स्ट्रांग विल पावर वाली लेडी थी। अपनी पूरी उम्र उन्होंने इसी मेंशन की देखभाल में बिता दी। उन्होंने मुझसे कई बार ये बात बोली थी कि इस मेंशन में कुछ अजीब सा है। वैसे तो उन्होंने कभी कुछ देखा या सुना नहीं, पर हाँ, उनका कहना था कि वो महसूस करती हैं कुछ बहुत ही अजीब, स्पेशली रात के सन्नाटों में। मैंने उनकी बातों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनको हमेशा मजाक में यही कहता था कि अम्मा, अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो फिर आप वहां क्यों रहती हैं, छोड़ क्यों नहीं देती उसे? और इस पर अम्मा मुझसे कहती थी कि बेटा, अगर मैं यहां से चली गई तो फिर इसे देखरेख करने वाला भी तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा, और वैसे भी अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूं, अगर किसी भूत प्रेत ने मुझे मार भी डाला तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी फिर भूत बनकर उनके साथ ही रहना शुरू कर दूंगी। और आज वो नहीं रही हमारे बीच। क्या पता उन्हें सच में किसी भूत ने। मिस्टर विकास, I'm sorry. नहीं प्रोफेसर, इट्स ओके। इनफैक्ट अम्मा बिल्कुल सही बोला करती थी। अब देखिए ना, उनकी मौत के बाद से कोई भी अग्रहरी मेंशन की साफ सफाई तक करने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट और भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर। और
क्या? कैसे इंसिडेंस? वो हमारे पहले टेनेंट, उनका बेटा, वो दरवाजे से उल्टा लटका हुआ मिला था। मिस्टर विकास अग्निहोत्री एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा बता रहे थे जिससे प्रोफेसर अवस्थी का डाउट विश्वास में बदलता ही जा रहा था, और इसलिए प्रोफेसर अवस्थी ने अग्रहरी मैंशन में एक रात गुजारने का पूरा मन बना लिया था। अब उन्हें केवल ये समझना था कि उस मैंशन में एक्चुअल में कोई घोस्ट, विच या वैम्पायर जैसा कुछ था, या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी जो घर को और वहां पर आने वाले सभी लोगों को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अभी मिस्टर विकास के पास और भी बहुत कुछ था बताने के लिए, तो आगे। क्या उल्टा लटका हुआ? मतलब एक और डेथ हो चुकी थी वहां पर? नो, नहीं प्रोफेसर अवस्थी, वो मरा नहीं था, सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ था। मगर फिर वो दरवाजे पर कैसे लटका? एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स? और किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? प्रोफेसर अवस्थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने तो अपना नया घर ले लिया था रहने के लिए, अब सवाल ये था कि अग्रहरी मेंशन का क्या करना है, और आखिरी ऑप्शन सिर्फ उसे बेचने का ही दिख रहा था। बस इसलिए मैंने वो पूरा मेंशन रेनोवेट कर दिया और फिर उसे बेचने की कोशिश शुरू कर दी, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसे खरीदने वाला नहीं मिला। दैट्स रियली सैड। बट सर, जहां तक मुझे पता है आपका मेंशन एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो क्या कभी आपने उसे किसी होटल या फार्म हाउस में कन्वर्ट करने के बारे में नहीं सोचा? प्रोफेसर अवस्थी, सच बोलूं तो नहीं, इनफैक्ट कभी ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं फील हुई। भगवान ने जितना दिया है वही बहुत है, अब तो बस सुकून की जिंदगी चाहिए। पर हाँ, कुछ लोगों ने रेंट पर लेकर रहने की कोशिश जरूर की। आई थिंक अब तक टोटल 3 families, यस राइट, बट कोई भी 1 या 2 दिन से ज्यादा वहां पर नहीं रुक पाया। यस, बट व्हाई? आई मीन एनी स्पेसिफिक रीजन? हाँ, सबका यही कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस किया जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अब वहां नहीं रहना चाहते थे। इवन एक किरायेदार ने तो यहाँ तक बोला कि उनको दिन में भी सब कुछ नॉर्मल नहीं लगा, सभी की फैमिली थी और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ, I understand. पर फिर भी क्या आपने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं प्रोफेसर अवस्थी, इनफैक्ट मैं उनके इस डर को समझ तो रहा ही था, बस इसी कारण मैंने भी किसी को प्रेशर नहीं किया वहां पर रहने के लिए। आप खुद बताइए, ऐसी कंडीशन में अगर मेरी जगह आप ही होते तो क्या करते? राइट, शायद आप सही कह रहे हैं। और फाइनली ये लास्ट वाली फैमिली, इनका तो एक 10 साल का बेटा था। इनफैक्ट पहले ही दिन शाम को बैकयार्ड में खेलने के बाद जब उसने घर के अंदर घुसने के लिए दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की तो अचानक ही चिल्लाने लगा और फिर एकदम शांत हो गया। फिर जब बेटे की चीख सुनकर उसकी माँ कमरे में आई तो देखा कि उसका बेटा उसी दरवाजे पर उल्टा लटका हुआ था। उन लोगों ने तो उसी समय घर खाली कर दिया था। गॉश, वो बेटा वो मर गया था क्या? नो, थैंक्स टू गॉड कि उसकी जान बच गई। लेकिन फिर इस इंसिडेंट के बाद से तो कोई रेंट पर रहने के लिए भी नहीं आया। दैट्स सो बैड। पर मिस्टर विकास, क्या आपने ये नहीं सोचा कि एक बार आपको खुद वहां जाकर देखना चाहिए? आपके मेंशन में इतना कुछ होता रहा फिर भी? प्रोफेसर अवस्थी, फ्रैंकली टेलिंग, मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई थी और इसलिए मैं एक दिन के लिए वहां पर रहने भी गया था। लेकिन बिलीव मी, पता नहीं कैसे सिर्फ 1-2 घंटे के बाद ही मेरी क्यूरियोसिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। बट व्हाई? आई मीन, क्या आपने कुछ अजीब सा देखा या सुना? नहीं प्रोफेसर, I didn't feel anything like weird. But पता नहीं क्यों मेरी वहां रुकने की कोई भी इच्छा नहीं रही और फिर मैं वहां से वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। It was like कि मैं completely absent-minded हो गया था। Oh, I can understand. But Mr. Vikas, if you don't mind, क्या आप मुझे वो mansion सिर्फ 1 रात के लिए rent पर दे सकते हैं? What? पर क्यों?
इट्स नॉट सेफ सर. एक्चुअली मैं एक बार अपनी तरह से एग्जामिन करना चाहता हूँ. जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि ये प्लेस हॉन्टेड है, उससे मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. मैं जल्द से जल्द वहां जाके सब देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ. एंड आई एम रेडी टू पे जो भी मेंशन का रेंट होगा, व्हाटएवर इट इज. ओह दैट्स ओके प्रोफेसर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट आप जब तक चाहें वहां पर रह सकते हैं और रेंट का तो कोई भी इशू नहीं है. इवन आई विल बी सो थैंकफुल अगर आप ये पता लगा सकें कि एग्जैक्टली उस मेंशन में क्या है, ऐसा कौन सा कारण है कि जो भी वहां जाता है फिर रुकना नहीं चाहता. या मैं भी यही जानना चाहता हूँ, और इसके लिए जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता सब कुछ, मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता कुछ भी. अग्री. लेकिन फाइनली अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे बताइएगा जरूर, और अगर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल सके तो. जी जरूर जरूर, आप परेशान मत होइएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. सीरियसली प्रोफेसर अवस्थी, इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि पूरे मसूरी में ये खबर है कि ये मेंशन हॉन्टेड है, और इसी रीजन से इसकी एक्चुअल वैल्यू भी लगातार कम होती जा रही है. आज तो कंडीशन ये है कि कोई अगर फ्री में भी रहना चाहे तो मैं रहने दूंगा, कम से कम मेंशन की मेंटेनेंस तो होती रहेगी. राइट. तो कीज. एक सेकंड, मैं अभी कीज लेकर आता हूँ. आपको थोड़ी साफ सफाई जरूर करवानी पड़ेगी वहां पर रहने के लिए, क्योंकि बूढ़ी अम्मा की मौत के बाद से तो वहां पर कोई भी नहीं गया है. आप उस सब की टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं खुद देख लूंगा. प्रोफेसर, ये रही मेंशन की चाबियां, और जेन्युइनली आप वहां जाना चाहते हैं इट्स ओके. इवन मेरा भी इसमें फायदा ही है, पर फिर भी एज अ नॉर्मल फ्रेंड मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप भी वहां पर ना जाएं, स्पेशली रात बिताने के लिए. बट स्टिल अगर आप ऐसा करते हैं और कोई मिस हैपनिंग होती है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी. मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा, तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक और बार सोच लीजिए. अदरवाइज कीज आर ऑल योर्स ओनली. मिस्टर विकास, I understand your concern. Thank you so much, but please don't worry. Okay? मुझे सबका एक्सपीरियंस है, और आपने मुझे जो भी जानकारियां दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलता हूं मैं. मिस्टर विकास से मेंशन की चाबियां लेने के बाद प्रोफेसर अवस्थी सीधे अपने घर की तरफ मुड़े. जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोफेसर अवस्थी को मिल पाई थी उसे एक बात तो कंफर्म थी, अग्रहरी मेंशन में होने वाले इंसिडेंट्स नॉर्मल नहीं थे, और इसलिए अब इसके पीछे की वजहों को जानने के लिए प्रोफेसर अवस्थी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी. अपने घर पहुंचकर महेश, जल्दी से आप कॉफी पिलाओ एक और चलने की तैयारी करो. जी सर जी, पहले पानी तो लीजिए. क्या बात हो गई सर जी, और कैसी तैयारी, कुछ और पता चला है क्या ये अग्रहरी मेंशन के बारे में? हाँ हाँ भाई, बहुत कुछ. इनफैक्ट जो कुछ भी मैं वहां सुनकर आया हूँ उससे यही लगता है कि मेंशन हॉन्टेड ही है. सच में सर जी? हाँ महेश, बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक रात वहां पर बिता के आता हूँ. I'm sure कि वहां कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा या फिर सुनाई देगा, कुछ ऐसा जो बहुत ही डरावना होगा. इस बार कुछ जरूर नया समझने को मिलेगा. तुम्हारा क्या ख्याल है? चला मेरे साथ इस बार भी? जरूर सर जी, आपको तो पता ही है मुझे एक बार भूत देखना है रियल में. मेरा रात दिन इतनी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखने का बस यही एक कारण है कि जिस दिन भी भूत से सामना हो जाए मैं कमजोर ना पड़ूं, मैं भी तो देखूं कौन जीतता है. उम्मीद है इस बार तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी. वही तो चाहिए सर जी. आपको याद है ना, पिछली बार जब हमें चंपावट के ऊंचे जंगलों में एक हॉन्टेड घर का पता चला था,
वहाँ पर तो हमने पूरे 3 दिन और रातें भी बिताई थी, फिर भी कुछ नहीं दिखा था। हमें निराश ही वापस लौटना पड़ा था। उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, उम्मीद तो मुझे भी ऐसी ही है। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पिछली बार तो मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ था, क्योंकि सही से कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, और क्योंकि हम लोग वहां पहुंच चुके थे तो जरूरी था कि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करूं। और तुम शायद भूल रहे हो। भूल रहा हूँ क्या सर जी? यही कि वो असाइनमेंट गवर्नमेंट का था, इसी वजह से पेपर्स तो कंप्लीट करने ही पड़े थे। बट यस, इस बार मुझे कोई डाउट नहीं, बल्कि बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है मेरे अंदर कि इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जी सर जी। हाँ, तो महेश ये रही अग्रहारी मेंशन की चाबियां, वहां का एड्रेस तुम्हें पता ही है ना, तो फिर तुम एक काम करो, चाहे तो अभी चले जाओ वहां पर। अभी? पर अभी जाकर क्या करूंगा, वो भी अकेला। असल में क्या है महेश कि अभी दिन का वक्त है, और जैसा कि मिस्टर विकास ने बताया था, मेंशन की पिछले कई दिनों से देखभाल नहीं हुई है, तो जरा साफ सफाई कर डालो अच्छे से। और हाँ, एक कमरे को जरा ठीक से अरेंज कर देना, कम से कम वहाँ एक रात आसानी से तो बिता सके। ओह जी सर जी, अभी जाकर देता हूँ। और हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है तो आग जलाने का अरेंजमेंट जरूर रखना वहाँ पर, और कैंडल्स भी लेते जाओ रात के लिए, पता नहीं लाइट रहे ना रहे, शॉप से मार्केट भी तो नहीं है कहीं आसपास। ठीक है सर जी, मैं सब अरेंजमेंट्स कर दूंगा। ओके, तो चलो फिर, तब तक मैं कुछ जरूरी पेंडिंग काम निपटा लेता हूँ। आज रात फिर से कुछ नया सोचने समझने को मिलेगा। I'm excited. अरे महेश जल्दी जाओ यार, हमें आज ही रात वहां पे रुकना है। तो क्या करेंगे कि डिनर करते यहाँ से निकल पड़ेंगे, ठीक है? प्रोफेसर अवस्थी के कहने पर महेश तुरंत ही अग्रहरी मेंशन पहुंचता है। हालांकि भूत को देखना उसकी ख्वाहिश है, पर क्या जब सच में ऐसा ही कुछ हो जाएगा? और मेंशन का दरवाजा खोलते ही महेश ने जैसे ही अग्रहरी मेंशन का दरवाजा खोला, उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे बहुत तेजी से धक्का दिया हो। उसके कदम लड़खड़ा कर पीछे हो गए और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। इसका मतलब महेश की मेंशन में आने की पहली ही कोशिश थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन फिर भी महेश ने इसको नजरअंदाज कर अपना पहला कदम मेंशन में रख ही दिया। मेंशन के अंदर तो पूरी शांति थी, लेकिन महेश के कानों में लगातार कोई आवाज गूंज रही थी, जैसे कि कोई फुसफुसाकर कुछ कहना चाह रहा हो। डर तो लग रहा था, लेकिन महेश ने इन सभी बातों को अनसुना करके अपना साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद किचन, ड्राइंग रूम और ऊपर के दोनों कमरे एक प्रोफेसर अवस्थी के लिए और पास वाला ही कमरा खुद के लिए, इतना पोर्शन पूरी तरह से क्लीन और रहने लायक हो चुका था। रात होने वाली थी, पर कानों में पड़ने वाली इस लगातार आवाज से परेशान होकर फाइनली महेश मेंशन के बाहर आ गया और सड़क पर ही प्रोफेसर अवस्थी का इंतजार करने लगा। सर जी रुकिए, गाड़ी रोकिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अरे महेश, तुम यहाँ सड़क पे क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए? सब ठीक तो है ना? हाँ सर जी, सब ठीक है, और मैंने अंदर की पूरी साफ सफाई भी कर दी है। वो तो फिर और कुछ करने के लिए नहीं था, तो यहीं बाहर सड़क पर आकर थोड़ा टहलने लगा। सर जी, आपने खाना तो खा लिया है ना? मैंने वहीं किचन में रख दिया था। हाँ भाई, खा लिया मैंने, और ब्रूनो को भी खिला दिया। तुम अपना टिफिन तो लाए हो ना? हाँ सर जी, लेकर आया हूँ, अभी खा लूंगा, बस थोड़ी देर में, भूख लगने पर। अच्छा सुनो, तुम इतनी देर से मेंशन में अकेले थे, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया? सर सच बोलूं तो सुना, अजीब सा कुछ,
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार मेरे कानों में कुछ बोल रहा है। बहुत धीमी सी आवाज थी, लेकिन बिना रुके लगातार पूरे समय मेरे कानों को परेशान करती रही। इरिटेट कर दिया उस आवाज ने। पता नहीं कोई क्या बोलना चाह रहा था, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। डर तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं सर जी, एकदम भी नहीं। वैसे भी मुझे डर नहीं लगता। ग्रेट ग्रेट। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि आज रात कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल भी नहीं। अरे महेश सुनो, गाड़ी में कुछ सामान रखा है, मैं घर से लेके आया हूँ। इस कायदे से बैग में रख दो, फिर मैंशन के अंदर चलते हैं। हाँ सर जी। हे ब्रूनो, कम ऑन बॉय, कम ऑन। ये पिस्टल, ये क्यों सर जी? भूतों पर इनका क्या असर होगा? बस ऐसे ही रख ली, सोचा क्या अब तक काम बढ़ जाए कहीं। और ये किताब, ये भी ले चलना है क्या मेंशन के अंदर? हाँ भाई, ये जरूरी है। आज रात जगना पड़ेगा ना, अगर किताब हाथों में नहीं हुई तो बातें किससे करूंगा, क्योंकि तुम तो घर राठी मार के सो जाओगे। अरे कोई कंपनी चाहिए होती ना तो बुक से अच्छी कोई कंपनी नहीं होती। और दरअसल ये बुक मैंने काफी पहले पढ़ना शुरू कर दी और बाद में फिर वक्त नहीं मिला तो कंप्लीट नहीं कर पाया। ओ, इसका मतलब सर जी आज आप पूरी रात इस किताब को पढ़ेंगे? हाँ भाई, तो फाइनली एक बार फिर कई महीनों बाद एक रथ जगह करने का मौका मिलेगा, बस इसीलिए साथ लेके आ गए। और तुम्हें पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है बुक कोलाइड, इसमें सुपर नेचुरल पावर्स का एक अलग ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसा क्या अलग है इसमें सर जी, मुझे भी कुछ बताइए। हाँ जरूर। ये कोलाइड एक लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी एक बुजुर्ग से मिलने के बाद पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। पर वो कैसे सर जी? वो ऐसे कि उस लड़की को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाती है, लेकिन ये सुपर नेचुरल पावर्स गिफ्ट नहीं है, बल्कि वो लड़की इसमें इस कदर फंस जाती है कि ये पावर्स ही उसका सबसे बड़ा दर्द साबित होती है। तो वो इन अजीब गरीब हालातों से कैसे निकलती है और इसकी वजह से उसे क्या क्या खोना पड़ता है, वही सब है इस बुक में। लेकिन अलग क्या है इसमें? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का कॉन्सेप्ट। और ये हो सकता है कि ये सब आज यहां भी काम आ जाए, इससे रिलेटेड हमारी नॉलेज थोड़ी और अपडेट हो जाए, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए। आज तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में हमें कौन और कैसे सपोर्ट करेगा कुछ नहीं पता। सर जी ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, पर हाँ आपकी बातों से ये जरूर लग रहा है कि आज की रात बहुत डरावनी होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं, तभी आगे का समझूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार पूरा मेंशन देख लें क्यों? जी सर जी आइए। ये देखिए, सबसे पहले ये बड़ा सा हॉल है और सामने ही किचन बना हुआ है, ये तो मैंने पूरा बैठने लायक कर दिया है। अरे ये अपना ब्रूनो कहाँ गया? महेश वो देखो, वो तो दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। जाओ जरा उसे लेके अंदर आओ, फिर सुन दरवाजा भी बंद कर देना। और कौन कौन से कमरे हैं यहाँ? सर जी नीचे दो और कमरे हैं, शायद ऑफिस के कामों के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सी पुरानी फाइल्स और पता नहीं कैसे कागज रखे हुए हैं, और हाँ बहुत सी खाली शराब की बोतल भी पड़ी हुई है। उसे तुमने साफ किया? नहीं सर जी, मुझे किसी काम का नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो अभी कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। और ये क्या है ऊपर, ये सीढ़ियों से ऊपर क्या है? सर जी ये सीढ़ियों से ऊपर वहाँ कुल मिलाकर तीन कमरे हैं, एक के बाद एक, जिसमें से दो तो मैंने ठीक ठाक कर दिए हैं, लेकिन तीसरा कमरा बंद था तो मैंने उसका लॉक तो खोल दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, शायद अंदर से बंद है इसीलिए। ठीक है, और ये दूसरा दरवाजा इस हॉल का, ये कहाँ खुलता है? सर जी ये तो बैकयार्ड में जाने का रास्ता है,
इस मेंशन के पीछे बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ जंगली घासें उगी हुई हैं चारों तरफ, और उसकी दूसरी साइड पर ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल है। चल के एक बार बैकयार्ड भी देख ही लेते हैं। हाँ सर जी, आइए। अरे थोड़ा संभल कर सर जी। हाँ यार, यहाँ पे तो चलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, पैर फिसल रहे हैं। संभल के यार, पत्थरों में काई जमी हुई है और नमी तो बहुत ही ज्यादा है। हर ओर सूखे पत्थर और धूल ही धूल दिख रही है। लग रहा है जैसे बरसों से कोई यहाँ नहीं आया, नहीं कोई साफ सफाई हुई। ये मिस्टर विकास ने बैकयार्ड के बारे में तो बताया था, लेकिन इस कंडीशन में होगा ये इमेजिन नहीं किया था मैंने। अगर मेंशन रेनोवेट किया गया था तो इसकी भी साफ सफाई करवानी चाहिए थी। इसे क्यों छोड़ दिया? सर जी, टॉर्च चलाऊं क्या? थोड़ी और रोशनी हो जाएगी। ना ना ना, रहने दो, चांदनी काफी है। थोड़े बादल जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो बादल चांद को ढकने की कोशिश करेंगे। महेश, कुछ सुना तुमने? सर जी, आपने ये देखा? क्या क्या देखा? सर जी, अपने पीछे देखिए, जमीन पर ये पैरों के निशान, ये आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये मेरे पीछे पीछे ही? मैं थोड़ा तेज चलता हूँ शायद। नहीं सर जी, ये अभी भी आपके पीछे ही आ रहे हैं। अरे सामने तो बाउंड्री वॉल आ गई, ये पैरों के निशान रुक गए हैं या फिर अभी भी आगे बढ़ रहे हैं? अरे मुझे देखने तो जरा, किसी बच्चे के पैरों के निशान लग रहे हैं, और छोटे छोटे से हैं लेकिन क्लियर इम्प्रेशन दिख रहा है। ये तो गायब हो रहा है, कहाँ गए? महेश तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर जी, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर जी, आपने भी तो देखा ये। चलो अब अंदर चलते हैं। अरे सुनो महेश, एक ग्लास पानी देना यार। ये ब्रूनो को क्या हो गया अचानक? जब से आया एकदम शांत है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। डर गया है क्या? ए ब्रूनो, कम ऑन बॉय, कम ऑन, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ये क्या लाइट, लाइट को क्या हो गया? रुकिए सर जी, मैं अभी कैंडल जलाता हूँ, शायद लाइट चली गई है। और महेश, ये बैकयार्ड वाला डोर भी बंद कर दो यार, बहुत तेज ठंडी हवा आ रही है, कैंडल भी बुझ जाएंगे, और हवा की वजह से ठंड तो बढ़ ही रही है। जी अभी करता हूँ। ये क्या हुआ महेश? ये देखा तुमने? ये चेयर क्या क्या हुआ सर जी? मैं तो दरवाजा बंद कर रहा था और लगा कि जैसे कोई चीज तेजी से गिरकर टूट गई हो, और ये ब्रूनो ये भी अचानक ही भौंकने लगा है। आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो देखो वो चेयर कहाँ कहाँ पर सर जी? ऊपर देखो वहाँ छत की ओर। सर जी ये क्या हो रहा है? चेयर हवा में कैसे उड़ सकती है? महेश कुछ ध्यान से देखो, तुम्हें क्या ये उल्टी चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ तो नहीं लग रहा? या फिर कोई शैडो जैसे किसी इंसान की? मैंने अभी अभी एक धुंधली सी आउटलाइनिंग सी देखी थी, जैसे कोई चेयर पे बैठा हो। कुछ येलो या फिर कुछ ब्लू सी आउटलाइनिंग तुम्हें भी दिख रहा है क्या? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? कुछ रोशनी तो दिख? नहीं सर जी, मुझे तो हवा में केवल ये चेयर ही दिखाई दे रही है, लटकी हुई। अरे ध्यान से देखो, थोड़ी और डार्क हुई है, ये भी गायब हो रही है। कहाँ गई? सर जी मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर जी बचाइए, ये चेयर तो नीचे आ रही है आपके ऊपर। क्या कहाँ? प्रोफेसर अवस्थी और महेश दोनों ही बैकयार्ड में हुए इंसिडेंट से डरे हुए थे, और फिर हॉल में चेयर का अचानक से हवा में लटकना, और फिर किसी शैडो का दिखना, और थोड़ी ही देर में गायब हो जाना, ये सभी घटनाक्रम बहुत ही अजीब और डरावने थे। प्रोफेसर अवस्थी तो फिर भी अपने को कंट्रोल करने में सक्षम थे, लेकिन महेश
उसका तो डर के कारण बुरा हाल था। और ब्रूनो, वो कभी कुछ सेंस करके लगातार ही चिल्लाने लग रहा था या फिर एकदम ही शांत हो जा रहा था। महेश, चेयर को उठा के ठीक से रख दो, पहले पीछे दीवार से सटा के। जी सर जी, अभी रख रहा। हाँ हाँ, क्या हुआ? ये आप ही है ना सर जी? क्या क्या कह रहे हो? मुझे किसी ने पीछे से थपथपाया, आप ही थे ना? नहीं तो मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ इतनी दूर मैं कैसे? फिर कौन हो सकता है? महेश महेश महेश, काम डाउन। तुम बोल रहे हो क्या कि हम कहाँ हैं और यहाँ हमारे साथ क्या हो सकता है? इसलिए सबसे पहले शांत हो जाओ, शांत, बिल्कुल शांत। नहीं सर जी, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन ये। लेकिन क्या महेश? थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये सब जो भी हमारे सामने हो रहा है वो केवल ट्रिक्स है हमें डराने के लिए। तो अब समझदारी ये होगी कि बहुत डर जाने से पहले ही हम ये सब पता करें कि यहां जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं उसे कर कौन रहा है। हो सकता है कुछ साइंस का यूज करके सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वाकई यहां पे कोई सुपरनेचुरल पावर हो, कोई गोस्ट, वैम्पायर, कुछ भी हो सकता है और हमें यही पता करना है। जी सर जी। तो हमने नीचे तो लगभग सभी कुछ देख लिया है, अब आओ चल के ऊपर देखते हैं वहां क्या मिलता है। लेकिन सुनो, ऊपर आने से पहले नीचे के सारे दरवाजे वगैरह सब लॉक कर दो, कुछ भी खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो क्यों सर जी, उसकी क्या जरूरत है? बस ऐसे ही, एज प्रिकॉशन। सबसे पहले अपना ही कमरा देख लेता हूं किधर है वो। वहां पे आग जलाने का अरेंजमेंट तो कर दिया है ना, ब्रूनो को भी अपने ही कमरे में रख लेता हूँ। जी सर जी, ये इस तरफ, ये वाला कमरा, ये मैंने आपके अकॉर्डिंग अरेंज किया है। आपकी जरूरत के सभी सामान रख दिए हैं इसमें। ये केतली, इसमें चाय बनी रखी है, ये पानी की बोतल, टॉर्च, माचिस और कैंडल्स भी यहीं पर रखे हुए हैं। ये आपके बेड भी क्लीन कर दिए हैं और बेडशीट भी बदली हुई है। वाओ ग्रेट, ऐसा लग रहा है इस मैंशन का बेस्ट रूम है, स्पेशियस एंड एयरी। ये कबर्ड, इसे खोल के देखा है क्या? कुछ मिला इसमें हमारे काम का? बहुत पुरानी है, जरूर किसी लेडी की होगी। अंदर मिरर भी लगा हुआ है, कुछ भी तो नहीं है, यहाँ खाली है बिल्कुल। ये बेड काफी बड़ा है, किंग साइज। महेश एक काम करो यार, तुम सबसे पहले तो आग जला डालो, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। तब तक मैं जरा दीवारों को चेक कर लेता हूं। कुछ सुनाई दिया सर जी? नहीं यार, सॉलिड दीवारें हैं, बहुत ही मजबूत। मुझे लगा था पहले कि शायद कुछ तो खोखलापन होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चाय पीता हूं यार एक कप, इसमें है ना स्केल में। महेश एक कप पिलाना यार सरा, और आ जाओ यार 10 मिनट शांति से बैठते, तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो लो यार। ये आवाज सुनी तुमने? जैसे किसी ने कोई दरवाजा बंद किया हो या खोला हो। हाँ सर जी, मैंने भी सुना, शायद पास वाले कमरे से ही आ रही है। आओ चल चल के देखते। यही कमरा है ना? खुल ही नहीं रहा है, लॉक है क्या? नहीं सर जी, लॉक तो मैंने सभी दरवाजों के खोल दिए थे, पर हाँ ये दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा था। मुझे लगा कि बहुत समय से यूज नहीं हुआ होगा, इसीलिए जाम हो गया है। अच्छा तो ठीक है, फिर जाने दो, अब तुम्हारा कमरा देख लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट, ये तो ओपन हो रहा है अपने आप ही। सर
ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल रहा है। डरो नहीं महेश, अब ये दरवाजा खोल ही जाएगा तो सबसे पहले इसे ही देखेंगे जाके। तुम्हारे कमरे में बाद में चलेंगे। लेकिन अरे जरूर कोई अंदर है, ये दरवाजा अपने आप तो नहीं खोलेगा ना, मिलकर आते हैं उससे। आओ। लेकिन कौन कौन सर, किससे मिलेंगे हम? ये रूम तो पूरा ही खाली पड़ा है, एक फर्नीचर तक नहीं है यहाँ पे। और सर जी, अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ पर। हाँ यार, शायद देखो तो सब कुछ कितना गंदा और पुराना है। दीवारों पर पेंट तक नहीं है, पत्थर दिख रहे हैं और जमीन भी जगह जगह टूटी पड़ी हुई है। सामने एक विंडो दिख रही, पर शायद इसे भी कभी किसी ने खोला ही नहीं। और ये सिर्फ एक ही दरवाजा जिसे हम अंदर आए थे। सर जी वो भी बंद हो रहा है, उधर उधर देखिए। ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही, कोई इंसान होगा? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अंधेरा हो गया है पूरा यार, मैं जरा कोई टॉर्च कैंडल चला, कुछ भी नहीं दिख रहा। सर जी वो तो आपके कमरे में ही छूट गई। ओह, तो इसका मतलब हम यहाँ फंस गए। अरे सर जी, इन्हें क्या लगता है ये इतने कमजोर और पुराने से दरवाजे के अंदर हमें बंद करके रख सकते हैं? इसे तो मैं अभी तोड़ देता हूँ। सुनो, पहले आराम से कोशिश करो, क्या पता आसानी से खुल जाए। तब तक मैं जरा इस विंडो को खोलने की कोशिश करता हूँ। तो खुल गई, नीचे देखता हूँ। सजी ये तो खुल ही नहीं रहा है, मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ मुझे भी लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा बाहर आने के लिए। इस विंडो से कूदने का तो कोई मतलब नहीं, अगर कूदने की कोशिश की तो नीचे बैकयार्ड के पत्थरों में गिरेंगे या फिर बाउंड्री वॉल पर, और दोनों ही कंडीशन में बचना मुश्किल है। तुमने देखा ना बाउंड्री वॉल विंडो के लिए बड़े बड़े कांच लगे हुए हैं, और फिर बैकयार्ड के पत्थरों पर तो कितनी फिसलन थी तुम्हें पता ही है। फिर ठीक है सर जी, मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। नहीं हो रहा, नहीं टूट रहा है सर जी। मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। कुछ से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब हम यहाँ पे कैद हो चुके हैं, किसी ने बंद कर दिया है हमें। वो इंसान नहीं है, वो जरूर कोई है। अरे ये क्या हो रहा है? सर जी कुछ धुआं धुआं सा लग रहा है, सांस नहीं ली जा रही है। हाँ, ये नीचे जमीन से आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह कुछ जहरीली धुंध सी निकल रही है। मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओ, देखो दरवाजा खुल रहा है। आइए सर जी जल्दी से बाहर निकलते हैं। नहीं महेश रुको, वहां देखो ध्यान से, दरवाजे पर कुछ है वहां। वो येलो लाइट, यही येलो लाइट मैंने नीचे भी देखी थी चेयर के पास। सर जी कोई है वहां पर क्या? हाँ यही था, बिल्कुल यही। देखो जैसा किसी इंसान का शैडो लाइट के पीछे। सर जी ये शैडो तो बड़ी होती जा रही है, मुझे मुझे डर लग रहा है। होल्ड मी महेश, होल्ड मी। ये स्टेयर्स कैसे देखने लगी सामने दरवाजे पर? ये थी क्या यहाँ पहले से? मुझे नहीं पता सर जी, शायद यहीं पर होगी ये सीढ़ियाँ पहले से ही, अंधेरे के कारण हमें दिखाई नहीं दी होंगी। ये लाइट और ये शैडो, ये दोनों ही स्टेयर्स से कहीं जा रही हैं। आओ आओ इनके पीछे चलकर देखते हैं। नहीं सर जी मुझे नहीं जाना है, आप ही जाइए। महेश डर क्यों रहे हो इतना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं, कम ऑन चलो। ये तो बहुत ही छोटा सा कमरा है, कुछ तहखाने जैसा। सर जी मैं नीचे जा रहा हूं, मुझे नहीं रुकना है यहां पर। बस दो मिनट महेश, डरने मत। वहां उस टेबल पर वो लाइट, वो शैडो, दोनों
वहीं पर जाकर रुकी हुई है। सर जी, वो शैडो तो गायब हो चुकी है, कहाँ कहाँ चली गई? आई डोंट नो महेश, मुझे भी कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। वो लाइट भी तो छोटी सी होती जा रही है। हाँ हाँ सर जी, वो तो छोटे से गोले में बदल रही है। हाँ शायद ये भी जा रही है। नहीं नहीं, इसने तो टेबल के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, लगातार चक्कर लगा रही है। शायद रुकी। हाँ रुक गई। अरे ये तो मेरी ओर आ रही है। नहीं नहीं, प्रोफेसर अवस्थी और महेश का उस अंधेरे से कमरे में कैद होकर रह जाना और बहुत कोशिशों के बाद भी ना निकल पाना, और फिर कुछ ही समय के बाद दरवाजे के अपने आप खुलते ही एक शैडो और लाइट का दिखना और उसका भयानक होते जाना, इन सभी बातों ने महेश को बुरी तरह से डरा दिया था। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था उस अंधेरे से कमरे में सीढ़ियों का दिखना। एक और रास्ता जिस पर प्रोफेसर अवस्थी और महेश ने शैडो को आगे बैठे हुए देखा और उसका पीछा किया। क्या था? सब ठीक था ना? मैं और महेश, तुम ठीक तो हो ना? जी जी सर जी। मुझे लगा जैसे वो लाइट सीधे मेरी आंखों में घुसना चाह रही थी। कहाँ गई वो लाइट? हाँ सर जी, मैंने भी उसे आपकी तरफ आते हुए देखा था, लेकिन फिर अचानक। महेश क्या हुआ? तुम बहुत बुरी तरह से कांप रहे हो। वो शैडो चली गई है और वो लाइट भी। काम डाउन, रिलैक्स महेश, रिलैक्स। सर जी अब वापस चलते हैं, दरवाजा भी खुला होगा, कहीं वो दोबारा फिर से बंद ना हो जाए। हाँ मुझे जरा सा वक्त दो। एक कमरा यहाँ पे आ ही गए तो इस कमरे को भी एक बार अच्छी तरह से देख लेता हूँ। यहाँ पे हमें जरूर कुछ ना कुछ काम का मिलेगा। ठीक है सर जी, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी। अब महेश ये टेबल ड्रॉर्स बनी हुई है, जरा मेरी हेल्प करो खोलने में इसको। हाँ खुल गया सर जी। अच्छा सर देखने दो मुझे, ये पहला वाला ये तो खाली है, सिर्फ धूल। दूसरे में देखता हूं, इसमें भी धूल ही धूल। नहीं ये क्या है? ये तो कुछ छोटा सा कपड़ा लग रहा है, शायद रुमाल है। और ये इसमें तो नीडल है। कितनी ज्यादा धूल है यार, कलर तक नहीं पता चल रहा इस कपड़े का। जरूरी किसी लेडी का होगा जिसे निटिंग का शौक होगा। सर जी ये तो बहुत ही पुराना है। हाँ ये कमरा भी तो देखो पूरा धूल से ढका हुआ है। कितना छोटा सा है, जैसे किसी ने कोई तहखाना बनाया हो। लेकिन ये जरूर किसी न किसी नौकर का होगा, कोई ना कोई जरूर यहाँ पर रहता होगा। यहाँ सर जी, यहाँ पर तो घुटन हो रही है। सर जी इधर देखिए, इधर एक अलमारी भी रखी हुई है, इसे भी खोलकर देखे क्या? खुल गई। आराम से महेश, तुम रुको, मैं देखता हूँ क्या है इसमें। ये तो कुछ बहुत पुराने से लेडीज के कपड़े हैं।
I'm sure किसी नौकरानी का ही कमरा होगा और हो सकता है कि उसकी मौत भी हुई हो यहाँ पर। सर जी ये देखिए, ये कुछ कागज जैसा है, ये नीचे यहाँ। ये कागज, ये तो कुछ लेटर जैसा दिख रहा है। तो दो लेटर्स हैं, येलो कलर के रिबन में बंधे हुए। कितनी डस्ट है और रिबन का पीला रंग एकदम फेड हो चुका है डस्ट की वजह से। लेकिन बट कलर उसी लाइट से मिलता जुलता है। इसे मैं अपने पास रख लेता हूं, बाद में पढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं सब बाहर चलते हैं यहां से, सब कुछ चेक कर लिया है। मुझे लगता नहीं यहां पर हमारे देखने लायक कुछ बचा हुआ है। ठीक है सर जी। वो लाइट और शेडो भी दोबारा नहीं दिखाई दिए, लेकिन कुछ साउंड सी सुनाई दे रही है। क्या? कौन सी आवाज सर जी? मैंने तो अपने कान पूरी तरह से बंद कर रखे हैं डर के कारण। रुकिए, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ सर जी, किसी के चलने की आवाज, पर ये तो बहुत ही धीमी धीमी सुनाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये बहुत देर से लगातार आ रही है, एकदम वैसे ही जैसे बैकयार्ड में आ रही थी। इसका मतलब कोई हमें फॉलो कर रहा है, हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं वही फॉलो कर रहा है। क्या? कौन? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ महेश, कोई मेरा हाथ खींच रहा है। कौन? छोड़ो सर जी, संभालिए। किसने बहुत तेजी से पकड़ लिया था मेरा हाथ। लेटर, ये लेटर खींचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए गिरा मैं। महेश सर, मेरा हाथ पकड़ना, उठने में प्रॉब्लम हो रही है। बस ठीक है। जी सर जी, कहाँ? बेडरूम में ले चलो क्या? हाँ यार, वही चलते हैं, थोड़ा आराम कर लूंगा। ब्रूनो नहीं दिख रहा बहुत देर से। ये देखिए सर जी, ब्रूनो तो यहीं पर बैठा हुआ है, ये तो हिल भी नहीं रहा है आग के सामने से। लगता है आज सबसे ज्यादा ठंड ब्रूनो को ही लग रही है। हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डर गया है। ब्रूनो, कम ऑन बॉय, कम ऑन मेरा बच्चा, आजा कम ऑन। आओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठता हूँ। महेश, वो जरा टेबल से लेटर उठा के देना, इसे भी पढ़ के देखता हूँ। जरूर साला कुछ न कुछ तो लिखा होगा इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर दे। महेश, एक काम और है प्लीज। क्या सर जी? वो जो मेरी पिस्टल है ना बैग में, जरा उसे निकाल के इधर लाओ मेरे पास, यही बेड पे रख दो, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। सर जी, इस लेटर्स में क्या लिखा है मुझे भी बताइए। हाँ बताता हूँ, पहले खोल तो लेने दो उसको। सिर्फ एक पेज का खत, डेट भी लिखी हुई इस पर 1996, मतलब 35 years back। ऐसा लग रहा है किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका को लिखा होगा, या फिर हस्बैंड ने अपनी यंग वाइफ को। एक्सप्रेशंस और लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे लिखने वाला ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, और शायद समुद्री यात्रा पर है वो। लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा रफ है, सॉर्ट ऑफ वाइल्ड रफ लव। हाँ नहीं, नॉट एग्जैक्टली, ऐसा लग रहा है कोई सीक्रेट, नहीं शायद कोई क्राइम ना। यार ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ लाइंस जैसे ये लिखा है, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, मतलब मजबूरी सर जी, और क्या, भला ऐसे भी कोई किसी को बोलता है। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि
अगर किसी को पता चल गया तो फिर सब हमसे नफरत करेंगे। क्या क्या पता चल गया सर जी? पता नहीं यार महेश। और फिर आगे लिखा है कि हाँ ये रही वो लाइन, किसी को भी रात में अपने पास मत रुकने देना, तुम नींद में चलती हो। आगे की लाइंस फेड हो चुकी है, ठीक से कुछ दिख नहीं रहा यार। और हाँ यही ये लास्ट वाली लाइन, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। और फिर ये मेरा विश्वास करो, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मौत के अलावा। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर जी? वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार। और फिर ये भी लिखा है, वो करेंगे, लेकिन ये किसी और की हैंडराइटिंग है, हो सकता है उस लेडी ने लिखा हो, उसकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड। और अंत में एक और डेट लिखी हुई है कुछ दिन बाद की, वो जून। और उसके नीचे लिखा है लॉस्ट एट सी उसी दिन। इसका मतलब खो गया। और लास्ट में कुछ अलग पेन से, वही अलग हैंडराइटिंग भी। पर इससे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है सर जी। अधूरा सा लग रहा है। और ये दूसरा वाला लेटर, इसमें क्या लिखा है? अरे ये तो खाली है, कुछ भी नहीं लिखा इस पे। या फिर मिट गया होगा क्या? अब क्या करेंगे सर जी? अब तो यार हमें सब कुछ सोचना समझना पड़ेगा। लेकिन महेश, फिर भी अगर ध्यान से देखें तो ये लेटर बहुत कुछ कह रहा है। कोई कहानी, किसी के दर्द की कहानी। सर जी आप क्या सोचने लगे? नो नथिंग, बस ये सोच रहा हूं कि इस कहानी को पूरा कैसे किया जाए। और यही कि अभी तो पूरी रात बाकी है, और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। हाँ सर जी, अब तो बस ये रात खत्म हो जाए किसी तरह से। तुम्हें डर लग रहा है ना? भूत नहीं देखना, भूत नहीं देखना क्या? ना नहीं, मतलब हाँ सर जी, थोड़ा बहुत। टाइम क्या हुआ? अरे यार अभी तो सिर्फ 11:30 ही बजे, अभी तो पूरी शांति दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया। देखते हैं और कितनी देर तक ऐसे ही रहता है। बुलाओ यार, तब तक सर अभी बुक फिनिश कर लेता हूँ। और महेश तुम भी अपने कमरे में जाओ, आराम करो, लेकिन ध्यान से। और हाँ सो मत जाना, जागते रहना। जी सर जी, ठीक है चलता हूँ। अरे सुनो, ये घड़ी और ये पिस्टल दोनों इस टेबल पे रख दो, इसके साथ दो और कैंडल जला दो, ये तो शायद खत्म ही होने वाली है। लाइट का भी कुछ पता नहीं कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही था, प्रोफेसर अवस्थी आराम से अपनी बुक पढ़ रहे थे और महेश भी अपने कमरे में आराम करने चला गया था कि तभी लगभग 20 मिनट के बाद अचानक से एक तेज हवा का झोंका प्रोफेसर अवस्थी के चेहरे से टकराया। दरवाजों के बहुत तेजी से लगातार खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगी और कैंडल बहुत ऊंची ऊंची फ्लेम से जलने लगी। प्रोफेसर अवस्थी की नजर अपनी घड़ी पर गई जो धीरे धीरे टेबल से सरकती हुई दिख रही थी। फिर ये क्या हो रहा है? मेरी घड़ी ये गिरने वाली, अरे कहां चली गई? पीछे तो नहीं गिर गई? पिस्टल हाथ में ले लेता हूँ, कहीं ये भी घड़ी की तरह। कहाँ गई घड़ी? फ्लोर पे भी नहीं दिख रही, इसका मतलब गायब हो गई। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कोई आया भी नहीं। फिर अरे ये नॉक कैसा? डोर से तो नहीं है ये, बेड की एक साइड से। नहीं ये तो इस बेड वाली दीवार से आ रही है, इसी वाली वॉल से। हाँ इस
इसी वॉल से। सर जी आपने बुलाया क्या? नहीं तो, पर तुमने कुछ सुना क्या फिर से? सर जी रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हवा बहुत तेज चल रही है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे रूम में सब कुछ ठीक है ना?